कमेटी का जो प्रस्ताव बना था कुछ लोग कह रहे हैं कहाँ चला गया, वो कहीं नहीं गया। मैंने बार बार कहा है कि वो माननीय श्रीमान मुख्य सचिव महोदय के यहाँ तक हमारा प्रस्ताव गया था और वहां पर सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि इस प्रकरण को चुनाव के बाद देखेंगे। और चुनाव खत्म होने के बाद मैं इस गंभीर परिस्थितियों में भी 12 जून से लगातार इस चीज को वाच कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जा रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ। ऐसा कोई अधिकारी नहीं बचा जिससे मुलाकात न हुई हो, जिससे हमने निवेदन न किया हो। माननीय मंत्री जी से भी हमने निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। तो जब चीजें पॉजिटिव वे में चल रही हों, अब तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक आप ही एक हमारा प्रकरण ही नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रकरण है, वो धीरे धीरे काम चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद आपने देखा कि प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ी है, प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ी है और इस प्रक्रिया में आपका लाभ होना, आपका काम होना निश्चित है। इसलिए आप लोग परेशान न हो, बिल्कुल आप से ज्यादा हम परेशान हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन दौड़ रहे हैं अपने 1,50,000 परिवार के लिए। कितनी विषम परिस्थितियों में दौड़ रहे हैं शायद कुछ लोगों को एहसास है, और कुछ लोग तो अब वही जो प्रयागराज के अमुक साथी के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ग्रुप पे लिखा था। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी परिस्थितियां किसी साथी के साथ ना आए जैसी परिस्थितियां हमारे साथ हैं। मैं अपने पिताजी का अकेला पुत्र हूँ और हमारे पिताजी असमय हमको ऐसे अचानक छोड़ के गए हैं जहाँ पर वो घर परिवार खेत बाग का सारा काम अकेले खुद देखते थे। मेरी कोई जिम्मेदारी घर की नहीं रहती थी, लेकिन आज मैं उन सभी जिम्मेदारियों से घिर गया हूँ। उसके बाद भी मेरे घर पर अगर दुख जताने, सांत्वना देने कोई जनप्रतिनिधि आता है तो उन्होंने उस बात को लेकर के कमेंट किया था। भाई आपका वो कमेंट मुझे बहुत खला, मुझे बहुत दुख हुआ कि आपकी सोच इतनी खराब हो सकती है। दुखद घड़ी में कोई पक्ष विपक्ष का नेता नहीं होता है, वहां पर सारे लोग जनप्रतिनिधि होते हैं या फिर जो है जिनसे व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो होते हैं। इस तरह से आपने जो कमेंट किया था बहुत दुखद कमेंट था, और आपको उस ग्रुप पर साथियों ने जवाब भी दिया था। आप एक संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, आप अपने प्रांतीय पदाधिकारियों से भी पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आप उनसे सवाल ना करके हमारे द्वारा की जा रही मेहनत पर आप पानी फेरना चाहते हैं, तो ये बातें ठीक नहीं है। दो दिन से तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन फिर भी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एवं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान की कुछ खबरें जो कि आप सभी के मध्य में आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अध्यक्ष जी ने कहा नहीं आपको जाना है तो मैं गया, अजय भाई ने भी कहा कि आपको जाना है तो मैं गया और जा रहा हूँ, लगातार उसका परिणाम मिल रहा है। आज माननीय प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात हुई, क्षणिक मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिया कि आप उनसे जा करके बात कर लीजिए। उन्होंने मुझे अनुभाग भेजा, मैं अनुभाग में गया और अनुभाग अधिकारियों से बात की। हमने जो पत्र उस दिन दिया था संगठन का, वो पत्र श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ से होते हुए हमारे अनुभाग पहुँच गया है और वह उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मूल विद्यालय के प्रकरण पर कुछ सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त कर रहा हूँ, आज की जो जानकारी निकल के आई है कि मूल विद्यालय के मामले में शासन में सहमति बन गई है। मूल विद्यालय वापसी पे जो असहमति हो रही थी, कुछ चीजें थी, कुछ बिंदु थे, दिक्कत हो रही थी, मूल विद्यालय वापसी पर आपके शासन में सहमति बन गई है और वो प्रकरण अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ है। केवल थोड़ी सी समस्या हमारी जो जिले के बाहर महिलाएं हैं उनके लिए आ रही है, उस पर भी ईश्वर ने चाहा तो सहमति बनेगी, अभी फिलहाल नहीं बनी है, लेकिन मूल विद्यालय वापसी पे सहमति बन गई है और जल्दी ही उस पर आपका रिजल्ट आने वाला है। और स्थायीकरण समान कार्य समान वेतन पे अभी शासन और सरकार की सहमति नहीं बनी है, लेकिन महंगाई को देखते हुए आपके लिए सरकार कुछ अच्छा करने वाली है। हम लोग अपनी मांग अन्य राज्यों की भांति स्थायीकरण करने को लेकर के बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं और
वही मांग बार बार रख रहे हैं। आज भी वो बात हुई हमारी अनुभाग में, बात हुई, उन्होंने कहा कि आपकी मांग गलत है, स्थायी नहीं हो सकते। हमने कहा स्थायी अध्यापक नहीं हो सकते, लेकिन शिक्षा में तो स्थायी हो सकते हैं। जिस पद पर हैं आप, हमको इसी पद पर स्थायी कर दीजिए और समान कार्य का समान वेतन 40,000 का दे दीजिए। काफी सारी चर्चाएं हुई,